क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे के प्रकोप के मद्देनजर क्षेत्रीय विधायक सौरव बहुगुणा ने युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने हेतु यूथ अगेंस्ट ड्रग रन मिनी मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें क्षेत्र के तमाम स्कूल सहित देहरादून, अल्मोड़ा, टनकपुर, हरिद्वार, रुद्रपुर आदि जगहों से युवक युवतियां मैराथन में प्रतिभाग करने पहुंची। मिनी मैराथन में शुरुआत विधायक सौरव बहुगुणा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुआ ने हरी झंडी दिखाकर किया। शक्ति फार्म के मुख्य चौराहे से शुरू हुई युवतियों की 3 किलोमीटर की मैराथन में खटीमा की नीतू ने पहला स्थान प्राप्त किया। हल्द्वानी की नेहा अधिकारी व आशा बिष्ट ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही शक्ति फार्म के अरविंद नगर से शुरू हुई युवकों की 10 किलोमीटर की मैराथन में देहरादून के राजेश कुमार ने पहला स्थान, हरिद्वार के अंकुश कुमार ने द्वितीय और रुद्रपुर के नवनीत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 31,000 की धनराशि और आकर्षक साइकिल दी गई और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000 की धनराशि और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 11,000 की धनराशि व आकर्षक उपहार दिए गए। रुद्रपुर स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम का विधायक सौरव बहुगुणा एवं उनकी धर्मपत्नी सुमेधा बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसमें उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका मेहर ने अपने गानों से युवाओं पर जोश भरा, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रियंका मेहर द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुति में हजारों की तादाद में लोग नाचते थिरकते नजर आए। वहीं विधायक ने कहा कि युवा उत्तराखंड का भविष्य है और इनका सही मार्गदर्शन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एकमात्र खेल के माध्यम से हम युवाओं को और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने कहा, से नो टू ड्रग्स, रन फॉर लाइफ रेदर देन रन फॉर ड्रग्स। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने विधायक सौरव बहुगुणा की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, समाज में इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए, साथ ही परिवार व शैक्षिक संस्थान दोनों स्तर पर लगातार नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए। दौरान विधायक सौरव बहुगुणा, उनकी पत्नी समेत कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो युवा है वो एक जो अपनी एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए, उसी को लेकर ये एक पहल है और जिस तरह से हमें रिस्पांस मिला है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप देख भी सकते हैं कि इसमें पूरे उत्तराखंड से जो है युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे लगता है कि इसका एक संदेश जाएगा कि जो हमारे युवा है वो गलत डायरेक्शन में न जाके ड्रग्स की तरफ न जाके अपनी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे। है कि मतलब ड्रग्स आजकल इंडिया में काफ़ी हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए स्पोर्ट होना जरूरी है। स्पोर्ट में जो बंदा जाता है मतलब वो थोड़ा होता है, स्पोर्ट ज्वाइन करता है तो नशे से थोड़ा मुक्ति रहता है, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स का तैयारी करता है, इस वजह से वो स्पोर्ट्स में आए तो अच्छा होगा। क्योंकि ड्रग्स काफ़ी आजकल घातक हो रखे हैं, इंडिया में ये नहीं होना चाहिए, फिर भी इसके लिए ई स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा एक उद्देश्य है, जो कि ड्रग्स से बचे रहेंगे वो लोग। विधायक जी की इस पहल को कितना बहुत अच्छा लगा सर कि सर ने यहाँ पे ये आयोजन किया जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए और यहाँ पे आए और प्रथम स्थान प्राप्त किया, काफ़ी अच्छा लगा। सर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर साल करवाते रहें कि काफ़ी लोग आए यहाँ पे, उत्तराखंड के काफ़ी बच्चे आए यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे, काफ़ी अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। सर ये बहुत अच्छी पहल है कि मतलब युवाओं में एक बढ़ चढ़ के मतलब एक उमंग भर के देखा गया है और बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया गया है और इतना क्राउड भी मतलब बहुत ज़्यादा है कि मतलब युवा नशे के खिलाफ एक विधायक जी ने भी ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि युवा जो हैं अपना सही रास्ते पे जाएं। ये द्वारा जो ये नशे के खिलाफ जो रेस करवाई गई है इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि आजकल युवा नशे के खिलाफ ज़्यादा जा रहा है, इसलिए यही संदेश देना चाहते हैं कि नशे को छोड़ के खेल को अपनाया जाए। आज के ज़माने में जब ड्रग्स का बोलबाला जो है चारों तरफ हो रहा है, बच्चे इसकी लत मार रहे हैं, नवयुवक इसकी लत मार रहे हैं, इस समय जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता इस तरह के आयोजनों से जहाँ इसका व्यापक असर समाज में पड़ता है, वहीं मेरा आह्वान ये रहेगा कि परिवार के लेवल पर शैक्षणिक संस्थानों के लेवल पर भी अवेयरनेस फैले। परिवार के लेवल पर जो अग्रज हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, अपने परिवार में जो भी इस तरह के वल्नरेबल जो परिवार के सदस्य हैं जो नशे की लत में जा सकते हैं या जाने के कगार पर हैं या नशे की लत में हैं, उनके गतिविधियों पर बहुत मॉनिटरिंग करें, क्लोजली वॉच करें। शैक्षणिक संस्थानों में जो हमारे अध्यापक जो फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं उनसे भी मेरा आह्वान रहेगा कि उनके विद्यालयों में संस्थानों में जो बच्चे गलत लत में पड़ गए हैं नशे के,
उनके बारे में उनके परिजनों को बताएं, जो लोकल में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएं। तो इन दो लेवल पर जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस तरह के आयोजन का और व्यापक स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चे इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वो अपने घरों में जाकर के जो भी उनको आज अनुभव हुआ है, जो भी उनको जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, वो अपने घर में जाकर के अपने परिवार के अन्य सदस्यों को इस ड्रग्स के अगेंस्ट जो है जागरूक करें। धन्यवाद।